कैसे हो दोस्तों। तो फाइनली यार आठ आठ नौ महीने बाद मैंने सोचा कि चलो नया सीज़न हुआ है, और नया सीज़न हुआ है तो वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने कहा लेट्स यूटिलाइज दिस। तो भाई डायरेक्टली आएंगे आर्सेनल की बात पे, और शुरुआत ठीक थी। ब्राइटन भी अच्छी लग रही थी, आर्सेनल तो अच्छी लग ही रही थी। बट देन फर्स्ट हाफ में गोल आ गया, मार्टिनेली ने स्टार्ट नहीं किया, विच वॉज अ गुड आइडिया आई बिलीव। ट्रोसार्ड वॉज लुकिंग डेंजरस इन लास्ट टू गेम्स, एंड उसने बेंच पर से आके इम्पैक्ट भी किया है, तो ठीक है। मार्टिनेली को सबके लिए रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है दिक्कत क्या है, मतलब आई विल नॉट स्ट्रेच इट एंड कम डायरेक्टली टू पॉइंट, विच इज़ लाइक यू नो हैड पोक मी टू मेक अ वीडियो और कम बैक टू यूट्यूब आफ्टर अ सबैटिकल और ब्रेक, एंड कि भाई वो रेड कार्ड जो सेकंड येलो कार्ड जो डेक्लन राइस को मिला, ठीक है इफ़ यू गो बाय द लॉ वो होगा सही, है ना। बट देन फर्स्ट हाफ में जो ब्राइटन का प्लेयर था उसने ऑफ साइड जाने के बाद बॉल फेंकी थी, तो उसको तो कोई येलो कार्ड नहीं दिया। दिक्कत है ना इन इनकन्सिस्टेंसी से है, दिक्कत लॉ से नहीं है, दिक्कत रेफरीज की इनकन्सिस्टेंसी से है कि भाई आप उधर दे रहे हो तो उधर भी दो। पता ब्राइटन ने 25-26 फाउल किए, करीब करीब 30 फाउल किए, तब जाके उनको एक या दो येलो कार्ड मिला है। आर्सेनल ने लेस देन 10 फॉल्स किए होंगे और उसमें से चार या पांच येलो कार्ड मिल गए हैं। तो ये किधर का न्याय है भाई, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रेफरीज ने जो ये किया है, अंदर रेफरीज फ्रॉम मैनचेस्टर, उसका पासपोर्ट चेक करना चाहिए, उसका वीज़ा चेक करना चाहिए कि कहीं पिछले साल वो यूएई तो नहीं गया। पीजीएमएल के जो रेफरीज गए थे यूएई अबू धाबी में टू ऑफिशिएट सम मैचेस, आई डिमांड कि भाई उस रेफरी का तुम पासपोर्ट चेक करो कि कहीं वो यूएई ट्रैवल तो नहीं करा है। दिस काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी भाई, वो हमारे प्लेयर्स का गला पकड़ लिया हैवर्ट्स का, है ना, जीसस के पता नहीं कहाँ कहाँ पे उंगली कर दी। वो येलो कार्ड नहीं है, बॉल मूव होते हुए पैर लगा दिया राइस ने, ठीक है गलत किया होगा बट पैर लगा दिया, वो इंस्टेंट येलो कार्ड। साका को गिरा रहे कोई येलो कार्ड नहीं, मार्टिनली को गिरा रहे कोई येलो कार्ड नहीं, है ना। अरे भाई क्या नाम है ये, इसकी पीठ तोड़ दी हावर्ट्स की, उसमें कोई येलो कार्ड नहीं है, लेकिन हमने टच कर दिया, हम थोड़ा सा फाउल करते हुए 1 सेकंड में, ये क्या है यार। दिस काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी है ना, पता है याद दिलाती है आर्सेन वेंगर का वो स्टेटमेंट कि व्हेन आई विल डाई आई विल गो एंड आस्क द गॉड्स कि बिफोर चूजिंग हेल और हेवन दैट वेर आर द रेफरीज, आई वॉन्ट टू मीट दम फर्स्ट। आर्सेन वेंगर वॉज राइट भैया, दिस इज ये फुटबॉल को है ना, फुटबॉलर्स नहीं चला रहे, ओनर्स नहीं चला रहे, पीजीएमओएल चला रहा है, रेफरीज चला रहे हैं फुटबॉल को भाई, रेफरीज चला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हर एक रेफरी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करो, और कोई अगर गलत होता है ना सबको निकाल दो, गेट ए न्यू टीम ऑफ रेफरीज। यार लालीगा में देखो, लालीगा में कंसिस्टेंसी है, सबसे बेस्ट रेफरीज इटालियन है, सीरिया जर्मन्स, हमारे इंग्लैंड को क्या हो गया यार, वहाँ पे क्यों इतनी बेईमानी है। खैर क्या बोले, वो इंग्लैंड जो है स्टार्टिंग से ही बेईमानी में रहे, दूसरों पे राज करने का शौक रहा है उनको, तो दिस इज व्हाट द थिंग इज यार, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल। डेक्लन राइस का रेड कार्ड, आई एम अमेज्ड 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 यार, इन द फर्स्ट हाफ दैट इज नॉट ए येलो कार्ड फॉर अ प्लेयर ऑफ ब्राइटन, जिसने बॉल जो है डेड होने के बाद किक कर दी, लेकिन राइस ने हल्का सा नच किया, वो बॉल 3 सेंटीमीटर भी नहीं हिली होगी यार, और मूविंग बॉल दी, ऐसा भी नहीं है कि बॉल स्टॉप हो गई, लेकिन नहीं साहब येलो कार्ड दे देंगे। ठीक है, कमिंग ऑन टू अदर थिंग्स, कमिंग ऑन टू पॉजिटिव्स, हावर्ट्स का बहुत अच्छा गोल था, साका एज यूजुअल भाई वंडरफुल वंडरफुल असिस्ट, मिस किया हमने चांसेस, बट देन आई विल नॉट से एज ए चांसेस मिस्ड, बट आई विल से कि भाई ब्राइटन के गोल कीपर का ब्रिलियंस, एंड एक बार और उन्होंने दिखा दिया ब्राइटन ने यार कि यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ द प्रीमियर लीग टीम, स्पेशली द टीम्स जहाँ पे यंगस्टर्स है भाई, है ना, नेवर। 160 मिलियन उन्होंने खर्चा किया है तो उन्होंने अपनी टीम सुधार दी, कैसेड हो गया तो वो दूसरा प्लेयर लेके आ गए, क्या नाम है उसका, एक मिनट देना यार लेट मी चेक, कैसेड हो गया तो दे गॉट दिस न्यू प्लेयर विच इज नोन एज बलेबा, वैन ही कि मिलनर इंजर्ड हो गया। पता है गेम किधर चेंज हुआ, गेम रेड कार्ड पे चेंज नहीं हुआ, गेम उसी मोमेंट पे चेंज हो गया था जब मिलनर को इंजरी हुई सॉरी, और मिलनर को सब्स्टिट्यूट किया गया, तभी मेरे को फीलिंग आ गई थी कि भैया ये मिलनर बुढ़ाऊ जा रहा है, बाहर कोई नया जवान लड़का आएगा और
वो कुछ ना कुछ कर देगा। नहीं यार, मतलब टिम्बर को इंजरी हो गई 15 दिन के लिए, वो बाहर। डेक्लन राइस विल नॉट प्ले नॉर्थ लंडन डर्बी। पता है अगले 3 मैचेस हमारे किसके साथ है? नॉर्थ लंदन डर्बी स्पर्स के साथ, फिर 18 या 19 तारीख, 18 तारीख को या 19 तारीख को आई थिंक चैंपियंस लीग है, इंटर अवे है ना, एंड देन उसके बाद सिटी अवे। तीनों गेम्स अवे है, तीनों अवे गेम्स है यार। ये किधर कहाँ, मतलब ये किधर चेक हो रहा है कि तीनों अवे गेम्स दे दिए पहले यार? पहले होम गेम क्यों नहीं दे सकते थे हमको चैंपियंस लीग में? वाह, 3 अवे गेम बैक टू बैक, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, डोंट नो मैन। जीसस इंजर्ड है, स्टर्लिंग आ गया, चलो दैट इज़ अ गुड थिंग, भागता तेज है वो तो, आई लाइक प्लेयर्स हु आर फास्ट। बट अगेन यार, मतलब डेक्लन राइस नहीं रहेगा तो विल हैव टू रिलाई अ डबल पीवट ऑफ जॉर्जिनो और पार्टी विद ऑडेगार्ड लीडिंग द लाइन। आई डोंट नो उसमें कैसे हम मैनेज कर पाएंगे और क्या होगा। नॉर्थ लंडन डर्बी इज नाउ लुकिंग वेरी डेंजरस, होपिंग कि कोई मिरेकल हो जाए और मिकेल मेरिनो जो है वो चमत्कारी तरीके से वापस सही हो जाए और वो उस गेम में खेलने में। बट देन उसके अलावा तो कोई और उम्मीदें नहीं लग रही है। कमिंग ऑन टू स्टैट्स, स्टैट्स की अगर बात करें तो देखो, पोजीशन तो जब सेकेंड हाफ में रेड कार्ड मिला तो उनके पास पोजीशन जाना ही जाना था। एंड इसके बाद भी देखो, आर्सेनल ने 4 शॉट्स ऑन टारगेट डाले, 7 सॉरी, ब्राइटन के 4 ही हैं। ब्राइटन के भली चांसेस ज़्यादा हो लेकिन, और फॉल्स कमिटेड उनके साथ ही है, हमारे 12 है और हमको सब में येलो कार्ड मिला है। पता नहीं यार, फॉल्स कमिटेड मतलब जो फॉल्स थे वो फॉल्स दिए ही नहीं उनके, इतने कम फॉल्स हो ही नहीं सकते बाबा। 7 बार तो उन्होंने साका को गिरा दिया होगा यार। नहीं, पता नहीं यार, डोंट नो। बट आर टेकिंग फर्दर पॉजिटिव्स अगर लेवे तो चलो, हमारा डिफेंस शेकी हो गया था एक सेकंड के लिए, देन बट फिर इमीडिएट एक्शन लिया, कलाफ्योरी को लेके आए, और फिर टिम्बर इंजर्ड हुआ तो जिनचेंको जब आया तो थोड़ा डर लगा था, बट देन ठीक है, संभाल लिया इन लोगों ने। एट द एंड नॉट अ ग्रेट रिजल्ट, बट एट द एंड भाई वी केम आउट विद अ पॉइंट, दैट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, रेड कार्ड मिला है, राइस शायद नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा, बट दैट इज़ वाई वी हैव जॉर्जिनो। लेट्स सी, लेट्स होप कि वो पिछली बार जो उसने फकअप किया था स्पर्स के अगेंस्ट, आई थिंक होम गेम में, जब उसने बैक पास देते टाइम पे या पास लेते टाइम पे कोई गलती कर दी थी, वैसा कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करें, और देखते क्या होता है। कमिंग ऑन टू, अब देखो यार, बात कर ही रहे तो फिर ट्रांसफर विंडो चलो ख़त्म हो गई है, लेकिन ट्रांसफर का भी थोड़ी बात बात कर लेते हैं। स्टर्लिंग से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं इसके बारे में? मैं यही बोल सकते हैं कि जिस तरह से वो बोल रहा है कि आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल बी माई बेस्ट फॉर, आई विल बी एट माई बेस्ट फॉर्म फॉर आर्सेनल, और ये सब यार ये चीज़ें है ना, विलियन ने भी बोली थी, और यही चीज़ें मेरे को डरा रही है। बट देखते हैं, ही इज़ अ गुड पीस, 29 का है, लोन पे लिया है, सिर्फ 100K wages हम उसकी पे कर रहे हैं, एंड देर इज़ नो लोन फी ऑल्सो, देर इज़ वी हैव नॉट पेड एनी ऑफ द लोन फीस। सो ठीक है, वो और कोई ऑप्शन नहीं था तो दिस ऑप्शन इज़ बेटर। लेट्स सी, एक फॉरवर्ड में ऑप्शन मिल जाएगा, मे बी, क्या पता नेक्स्ट मैच में ट्रोसार्ड को मिडफील्ड में खिला के नंबर 8 पोजीशन में, ट्रोसार्ड के नाम से प्लेड नंबर 8 पोजीशन बाय द वे, जिनको नहीं बताओ, ने फर्स्ट सीजन जब वो आया था जनवरी में, लास्ट सीजन 2023 जनवरी में, तब ही हैज़ प्लेड एज अ नंबर 8 समटाइम्स, तो ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ नंबर 8। देखते हैं यार क्या होता है, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू रेफरीज टू पुशिंग मी टू मेक दिस वीडियो, टू पुल आउट माई एंगर ऑन द रेड कार्ड विच वॉज नॉट अ रेड कार्ड। मतलब ठीक है, सेकेंड येल्लो भी नहीं था वो मेरी ओपिनियन में, अगर वो सेकेंड येल्लो था तो फिर ब्राइटन के प्लेयर ने जिसने बॉल फेंक दी थी उसको भी येल्लो कार्ड मिलना चाहिए था। तो इनकन्सिस्टेंसीज इज नहीं यार, तुम इतने बड़े लेवल पे और इतने पुराने रेफरी हो काफ़ी टाइम से, मैं 10 साल से तो देख ही रहा हूँ उस रेफरी को यार, तुम इस तरह से डिसीजन में गूफ अप्स नहीं कर सकते भाई, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। बट देन वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ रेफरी हु इज़ फ्रॉम मैनचेस्टर एंड हु माइट बी ए वन ऑफ द फैन ऑफ वन ऑफ द क्लब्स ऑफ मैनचेस्टर विच आई डोंट वॉन्ट टू नेम, बट देखते हैं ठीक है, लेट सी। सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फैला दो इसको यार, फैला दो। थैंक यू सो मच।